हाय हेलो नमस्ते, आशा करते हैं सभी अच्छे हैं। फिर से आपको स्वागत है एक मेरा नया वीडियो में, नया व्लॉग्स में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JSD बाइकर में। तो आज मैं निकल रहा हूँ, आज खुशी नहीं है, खुशी का ड्यूटी है और मेरा ड्यूटी नहीं था, ऑफ था, इसलिए सोचा एक वीडियो बना लेते हैं क्योंकि गैप्स बहुत हो रहा है और जैसे डालना चाहिए वैसा वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। तो ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलता है, जितना होता है उतना आप लोग को मैं जगह दिखाने का कोशिश करूँगा। आज बहुत ही मस्त जगह पे हम लोग जाने वाले हैं, एक नज़दीकी प्लेस है। आप कहीं भी इधर के बेंगलोर से नज़दीक है आप तो कभी भी उस जगह पे आप जा सकते हो, लेकिन ऐसा जगह है बोल के कभी हमने सोचा नहीं, कोई देखा नहीं। ये हिडन प्लेस है एक्चुअली कोई बहुत आदमी को पता नहीं है जगह के बारे में। तो आप लोग को मैं यार दिखाने वाला हूँ और मेरे साथ आज नया बंदा एक जा रहा है, मेरा दोस्त। तो वीडियो में बने रहिए, चलेंगे। और आज हम कुछ दिन पहले एक नया टी शर्ट में परचेस किया था, उसी को पहन के जाने वाला हूँ। ये है टी शर्ट, कैसा लगा कमेंट में बोलिएगा। तो रेडी है, अब आपका बंदा रेडी है, कमेंट जरूर करना टी शर्ट कैसा लगा। और हम अभी निकलते हैं, 9 बजने वाला है, ज़रा लेट हो गया। और हम निकलते हैं, निकल के आपको मिलते हैं रस्ते के व्यू में और मोटो ब्लॉगिंग में। तब तक के लिए साथ में बने रहिए। मुझे पता है ये रास्ते का सीन आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और ये रास्ता बहुत सुंदर भी है। मैं कर्नाटक का आया लेकिन आटीबेली से नहीं आया, मैं थाली रोड होके आया। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसी लिंक से आप लोग देख के आप लोग जा सकते हो। और संगम बोल के जगह का प्लेस है, 80 किलोमीटर होता है हुसूर से। और ये रास्ते का सीन एंजॉय करते हुए हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं संगम। पार्किंग फीस बाइक का 10 रुपया लिया और गाड़ी हम लोग ने पार्क कर दिया। पार्क करके अभी नीचे की तरफ हम लोग हम ही अभी कर्नाटक का संगम बोल के एक प्लेस में, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग को मैं पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, ये दो नदियों का मिलन है, कावेरी है और एक क्या नदी है मैं भूल गया। और मेरे साथ आज ग्वाला आया हुआ है, ग्वाला इस तरफ है, कपड़ा चेंज कर रहा है नहाने के लिए और मैं भी इधर नहाने के लिए, हम लोग पूरा रेडी है नहाने का। खाना पीना खाने का बहुत अच्छा प्लेस है। नजदीक हम लोग है कावेरी नदी का पानी का अंदर और इधर देखिए पानी इतना तक है और इधर सभी नहा रहा है, हमारा गोला भी उस तरफ नहा रहा है। तो बहुत ही मस्त प्लेस है, मस्त जगह है नहाने के लिए। Thank you.
करें गोला। तो तैरना आता है, मेरे को तैरना नहीं आता है, इसलिए मैं इधर ही छोटा बच्चा की तरह खेल रहा हूँ। आदमी बहुत है। ग्वाला है उधर, ओ उधर दूर में ग्वाला। नदी का उस तरफ एक्चुअली एक बस रखा हुआ है, उस बस में जाके और एक लोकेशन देख सकता है। बस फेयर 60 रुपीज पर हेड का लेता है, तो आप लोग आने से उस चीज को मत भूलिएगा। उस तरफ एक बस रखा हुआ है। मैं जैसे जैसे बैठा हूँ। नाक में कौन सा पत्थर? बेटा बैग उधर रह गया ना, बैग उधर रह गया। बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही मस्त है, बहुत इंजॉयबल है। इधर खाना वाना बना के खाने के लिए जगह है और आदमी खा भी रहा है। आप गाड़ी लेके आएंगे, बस इधर रख के कुछ भी सामान बना के इधर नहा धो के ये चारों तरफ इस तरफ पहाड़ है, ये चारों तरफ इस तरफ पहाड़ है और इधर नहाने के लिए बढ़िया सा जगह। बच्चा, छोटा बच्चा, लेडीज हो, जेंट्स हो, आराम से नहा सकते हो, क्योंकि इधर कोई खतरा नहीं है। पानी का धार इतना भी नहीं है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ही अच्छा प्लेस है प्लानिंग करने से। कभी इधर आइए, हमारा हुचूर से 80 किलोमीटर होता है और नाम है संगम, संगम बोल के बोलते हैं इस प्लेस का नाम। ये देख, ये गोला तो क्या कर रहा है रे, ड्रामा कर रहा है ये गोला, तो ड्रामा कर रहा है। देखो उसका कितना अच्छा से मिल गया उसको नहाने के लिए जगह, वो भी पानी का अंदर। देख उसका ड्रामा कहीं भी खत्म नहीं होता है, यहाँ भी खत्म नहीं किया वो ड्रामा।
देखिएगा पूरा वीडियो। बहुत खेल लिया, बहुत नहा लिया, अब हमको जाने का समय। ग्वाला जाएगा? जाएगा? जाने का दिल, जाने का दिल नहीं कर रहा है, फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि नहा के बहुत अच्छा लग रहा है। इतना फ्री टेस्ट कहीं नहीं मिला। ग्वाला बोला दूसरा कहीं टूर गया था, उधर से भी उसको अच्छा लगा है, अच्छा मतलब मस्त लगा है। तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं और हो गया ग्वाला, चल जाएँगे। किधर? हाय हाय, सब लोग को देख के जाने का दिल नहीं कर रहा है, फिर भी टाइम हो रहा है, 2 o'clock हो गया। बहुत ज़्यादा नहा लिया और ऐसे बहुत दिन हो गया नदी में नहाया नहीं, बुखार उखार होने का भी चांस है, इसलिए हम लोग निकल गए। ग्वाला तेल लाया है? वैसलीन? ग्वाला का जुगाड़ देखो, ये वैसलीन भी लेके आया, देखो पूरा वैसलीन मांग रहा है वो, देखो। नहा लिया? हैं? नहा लिया? नारियल तेल नहीं 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 लाया? तेल है, तेल है। दे मेरे को भी थोड़ा सा, गिर गया। ठीक है भैया, हम ऊपर तक चलते हैं, ऊपर के जाके कुछ खा लेते हैं, खाने के बाद हम लोग चलते रहते हैं। दो भी अड़े अड़े सो तो टाइम भी ज़्यादा हो गया, हम लोग इधर कर दिया पेट पूजा, अब पेट पूजा करके हम होसुर तक निकलने वाले हैं। बहुत ही अच्छी कावेरी नदी का मछली है, बहुत कम रेट में मिलता है, आप लोग आने से भी इसको एंजॉय जरूर कीजिएगा। सुंदर सा लोकेशन हमको मिला आने के टाइम, रास्ते में जब वापस आते रहेंगे आप रास्ते में इसको दिखाएंगे। और गाड़ी रुकने का, कार रुकने का, बाइक रुकने का बढ़िया सा प्लेस है, आप आने के टाइम इसको मत ये कीजिए, मिसिंग कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक लोकेशन है, बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। और इसको देख के हम लोग अभी निकलने वाले हैं, बस निकल गए, आधा रास्ते में है, देखा तो इसको रुक नहीं पाया, इसलिए हम लोग इधर रुक के थोड़ा देखे हैं। अब आइए, और 10-15 मिनट है, 10-15 मिनट बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं, और पहुँचने के बाद इसी में वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, क्योंकि रास्ते का सीन आप लोग देख लिया और बहुत अच्छा जगह है, आप लोग होने से एक बार जाके आइए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।